तो दोस्तों अभी हल्दी नमक देके पूरा अच्छे से भून चुके हैं। अब देखिए रेना पीस दिए मसाला, जीरा गोलकी लहसुन वगैरह सब ये डाल देंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं दादाजी के घर में, यहीं पर खाएंगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म देता है, यहाँ खपरेला घर ये है तो मस्त ठंडा लगता है यहाँ पर। बाकी देखिए हम लोग का खाना लग गया है, चिकन भात शंकर जी का भी, और रीना उधर बैठी है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी 7 बज रहा है सुबह का, तो हमारी ओर से आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी आए हुए हम लोग भिंडी तोड़ने, थोड़ा हुआ हो गया है, इसको बेच रहे हैं सभी को मिल के। दादाजी भी आए थे, उधर हैं बैठे हुए हैं। चलिए हम लोग बेचते हैं फटाफट फटाफट, बेचिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। कहाँ टाइम हुआ है, 7 बजे खाना बनाना होगा तो टाइम नहीं हुआ। हाँ खाना बनाना पड़ेगा घर जाके। अभी मेरा वहाँ पे बना देता था खाना सब। सो के उठती है और इन्हें बांटने में ही लग जाती है ना, इसलिए। और हम लोग आते भिंडी तोड़ने, कुछ काम रहता सुबह सुबह तो हम लोग का भिंडी तोड़ना नहीं, इसलिए लेट हो जाता है हम लोग का। बाकी मौसम देखिए अभी का, बादल छाया हुआ है, काला बादल किया हुआ है पूरा। बाकी सुबह सुबह का नज़ारा देखिए काफ़ी प्यारा एकदम लग रहा है, शांत एकदम। चलिए फटाफट भिंडी बेचते हैं, पापा फिर जाएंगे मार्केट। तो अभी भिंडी भर लिए हैं पूरा जितना भी था, बाकी देखिए थोड़ा बहुत रिजेक्ट निकला। और ये ले जाएगी घर रीना, इतना सा घर हाँ। जाने वाली है आज तो ये लेते जाएगी। इन लोग के पास सब्जी नहीं है, नहीं है कुछ नहीं है। क्या क्या लगा ये सब्जी में? कुछ नहीं लगा है। थोड़ा मोड़ा कच्चू है ना, तो घर के पास ही है। हाँ बहुत थोड़ा लगाया है, एक भी पार्टी नहीं हुआ। तो लगाना चाहिए तुमको, लगाना चाहिए तो नहीं लगाया। जितना हम लोग का बारी है ना, सब में खाली मकई दे दी। अच्छा कहाँ से लगाएंगे। हाँ और माँ भी गई हुई है रस्सी लाने के लिए, यहाँ पर बांधना पड़ेगा। बाकी शर्ट दे दिए हैं ऊपर से, अब यहाँ सिलाई होगा, उसके बाद फिर पापा चलेंगे मार्केट। हाँ तो दोस्तों अभी घर आ चुके हैं और अभी नहा धोवा लिया मस्त एकदम। रीना तो लेट गई यहाँ पर आगे। अभी खाना बनाएंगे, ये देखिए अभी पानी गर्म हो रहा है, अभी चिकन बनाना है वो भी बहुत दिनों के बाद। शंकर जी भी आएंगे, रीना आज घर जाने वाली है तो साथ में पार्टी करेंगे आज। और माँ झाड़ू लगा रहे हैं। चलिए पानी गर्म होगा उसे फिर चिकन वगैरह बनाएंगे। और दोस्तों अब यहाँ पे कढ़ाई चपा दी है और तेल गर्म होने के लिए दे दी है, और तेल गर्म हो भी गया है। देखिए प्याज भी काट लिए हैं, तो चलिए अब डालते हैं प्याज। और अभी प्याज पूरा अच्छी तरह से भुना गया है। चलिए चिकन डालेंगे, यहाँ पे चिकन रखा हुआ देखिए लेग पीस है, मेरे भैया के लिए दो लेग पीस। छोटा कढ़ाई है ना, पूरा भर गया लेकिन छोटा सा कढ़ाई है, तीन जन का खाना बनाने का कढ़ाई है। और यहाँ पर भी बन रहा है 6 जन है ना। बना मायके में बना रही है चिकन रीना। हाँ बना रहे हैं, वहाँ पर भी बनाते हैं कभी कभी, हम लोग को ना वहाँ पे पापा बनाते हैं कभी कभार, हम बनाते हैं। और मैं उधर अभी मसाला का तैयारी कर रहे हैं, लहसुन वगैरह छील रहे हैं। चलिए चिकन को अच्छी तरह से और भूनते हैं। तो रीना अच्छी तरह से चला ली है, एक दो ढक देंगे, थोड़ा भपाएगा ना कीजिएगा। चलिए छोड़ देते हैं, अब चलते हैं मसाला की तैयारी करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म देता है तो हम शर्ट वगैरह खोल लिए। लहसुन छील रहे हैं ना, लेकिन माँ कटाए हुए हैं यहाँ पर, एक हाथ में नहीं सकते हैं। चलिए हेल्प कर देते हैं, अच्छे से छीलते हैं लहसुन सबको। तो दोस्तों अभी भूंजा गया है थोड़ा बहुत, माँ अभी नमक डाल देंगे। रीना गई मसाला पीसने, माँ मसाला नहीं पीस पाते हैं यहाँ पर कटाए हुए हैं, तो चलिए डाल दें नमक। कढ़ाई भर गया पूरा, छोटा खराब कढ़ाई है। हाँ तो नमक डाल दिए हैं, चला रहे हैं, उसके बाद फिर हल्दी वगैरह डालेंगे। तो अभी नमक देखे हुए भूंज लिए, अब हल्दी डालेंगे, डालिए। और पंखा चालू कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म देता है चूल्हा का सामने, और ज़्यादा डालिए ना कुछ तरह से हो गया। चिकन में ना हल्दी ज़्यादा ही देना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकन है यहाँ पर, 2 केजी का था।
कम मिल ही नहीं रहा था, क्या बोले, इतना ही सब बचा भी था, बड़ा बड़ा तो यही लेना पड़ा, गिर रहा था भी। तो दोस्तों अभी हल्दी नमक देके पूरा अच्छे से भून चुके हैं। अब देखिए रेना पीस दिए मसाला, जीरा गोलकी लहसुन वगैरह सब ये डाल देंगे, अब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलाइए सफिया लीजिए, कितना स्वादिष्ट लग रहा है चिकन। तो मसाला भी दे दिए हैं, पानी डालेंगे, डालिए अब थोड़ा देर ढपकाएंगे हो जाएगा, फिर ढपकने देते हैं, चला दीजिए अच्छे से। तो अभी दोस्तों बन गया है खाना, ये देखिए इधर चिकन है, तरवी में भात लगा रहे हैं, शंकर जी भी आ गए हैं, हाँ अभी आए हैं, और दादाजी को भी खाना दे दिए, खा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है। हाँ खाइए, चलिए अब हम लोग भी खाएंगे खाना, वहाँ लगा दे रहे हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं दादाजी के घर में, यहीं पर खाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म देता है, यहाँ खपरेला घर ये है तो मस्त ठंडा लगता है यहाँ पर। बाकी देखिए हम लोग का खाना लग गया है, चिकन भात, शंकर जी का, रीना उधर बैठी है, अच्छा लगा, चलिए माँ भी खाना लगा के वहाँ बैठे हुए हैं, चलिए खाते हैं, चलिए हम लोग खाना खाते हैं। तो अभी दोस्तों शाम का 4 बज गया है और अब रीना इन लोग चलेगी घर, रीना रेडी भी हो गई है और माँ भी भिंडी दे रहे हैं रीना को, इन लोग का सब्जी नहीं है, भिंडी लेते जा हो जाएगा 3-4 सांझ। और बाहर में पानी दे रहा है, छूट गया, अभी चलेंगे, कल आइए और आज ही जाने लगे, इन लोग का धान रोपा हुआ नहीं हुआ अभी से, होता ना तो रह लेते 2-4 दिन, लेकिन नहीं हुआ ना, रोप के फिर आना। हाँ रोप के आएंगे, अब क्या आएंगे करम में, करम में, हाँ करम पूजा भी नजदीक है, अगला महीना में ये, हाँ 8 दिन रहेगी उसके बाद आएगी, नजदीक हो जाएगा, 8 दिन रहेंगे, 8-10 दिन उसके बाद फिर आएंगे। तो दोस्तों अभी रीना इन लोग घर चले गए हैं, बाहर में पानी दे रहा है फिर भी चले गए, बोल रहे कि जाना जरूरी जरूरी है। और माँ देखिए अभी बर्तन वगैरह अभी साफ कर रहे हैं, फिर से खाना बनाइएगा, बनाएंगे जो बनाए थे सब खत्म हो गया, बाकी अभी फिर से बनाएंगे। बाकी चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।